हेलो एवरीवन, दोस्तों एसएससी एमटीएस एंड हवलदार 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 27 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर। काफी अच्छी वैकेंसीज भी हैं इस बार अगर हम लोग पिछले एक दो साल से कंपेयर करें तो। एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज है 4887 और अगर हम लोग हवलदार की वैकेंसीज की बात करें तो वो है 3439। अब चाहे एमटीएस की बात करूं या हवलदार की, दोनों लेवल 1 क्लास की जॉब होती है, यानी कि इन दोनों का जो ग्रेड पे है वो 1800 ग्रेड पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी पोस्ट होती हैं, सबसे कम सैलरी लेवल 1 यानी कि 1800 ग्रेड पे वाले जॉब्स की ही होती है, यानी कि इन दोनों पोस्ट में आपको लीस्ट सैलरी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और जितनी भी जॉब्स होती हैं उनमें। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपने 10th पास कर रखा है किसी भी बोर्ड से तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब क्योंकि मात्र 10th पास ही है इसलिए पूरे इंडिया से तकरीबन 45 से 50 लाख लोग इन पोस्ट के लिए फॉर्म भरते हैं। हवलदार के पोस्ट पर जो लोग चयनित होंगे उनकी पोस्टिंग या तो CBN सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स या CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में ही होगी। और अगर एमटीएस की बात करें तो एमटीएस की पोस्टिंग पूरे इंडिया में किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी स्टेट में हो सकती है। हालांकि जब आप फॉर्म भरेंगे उस वक्त आपको प्रिफर्ड स्टेट चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, तो जो स्टेट में आप अपनी पोस्टिंग चाहते हैं, अपनी नौकरी चाहते हैं, उस स्टेट का नाम आपको टॉप पे रखना है और क्रमशः वैसे ही अरेंज करना। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ssc.gov.in पर जाना है, वहां जाके आपको फॉर्म भरना है। नोटिफिकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे एसएससी एमटीएस का, उसके नीचे पेज बाय पेज आपको काफी अच्छे से बता रखा है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। काफी ईजी प्रोसेस है, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर ज्यादा दिक्कत मुझे महसूस हुई कि आपको ज्यादा दिक्कत फेस कर रहे हैं आप लोग, तो एक मैं वीडियो भी स्पेशली बना दूंगा। एक ही जगह आपको दिक्कत होगी फॉर्म भरने में, वो है फोटो अपलोड करने में और सिग्नेचर अपलोड करने में, ठीक है। क्योंकि फोटो आपको लाइव फोटो खींचना है उस ऐप से ही, ठीक है, और जो सिग्नेचर है वो स्पेसिफिक रिजोल्यूशन में स्पेसिफिक साइज का आपको अपलोड करना है। तो ये दोनों काम करने में आपको डेफिनेटली दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूं। क्या होगा ना, एक बार में आप शायद सक्सेसफुली अपलोड नहीं कर पाइएगा, ठीक है। दो बार, तीन बार, चार बार करेगा तब भी शायद फेल हो जाएगा, तो आप तब तक इरिटेट हो चुके होइएगा। तो आप बस ये ट्राई कीजिएगा उस वक्त कि कुछ जो अपलोड हो जाए वो मैं कर देता हूं, काम खत्म कर देता हूं। ये गलती मत कीजिएगा, इरिटेट होकर फ्रस्ट्रेट होकर अपलोड नहीं करना है। आज नहीं हो पाया कोई बात नहीं, कल करेंगे, लेकिन जब कीजिएगा स्थिर से कीजिएगा, क्योंकि इसी बेसिस पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है। अगर आप एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए मॉक्स आप जरूर दीजिएगा, और सबसे अच्छे मॉक्स आपको मिलेंगे testbook.com पर, ठीक है। इस वक्त testbook का एक बहुत कमाल का ऑफर भी चल रहा है जिसमें सिर्फ 351 रुपए में आपको एक साल का testbook का पास प्रो मिल जाता है। पास प्रो का मतलब कि इसमें आप A to Z चीज एक्सेस कर पाएंगे वेबसाइट पे, ठीक है, चाहे प्रीवियस ईयर सेट्स हो, नए सेट्स हो, सेक्शनल मॉक्स हो, ठीक है, प्रीवियस ईयर एनालिसिस वगैरह हो, एक एक चीज आप एक्सेस कर पाएंगे। अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉक्स आप दे सकते हैं। मॉक अटेम्प्ट करने के बाद आपको बहुत अच्छा एनालिसिस भी यहां पे मिलता है, और testbook मॉक मैक्सिमम बच्चे देते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के बीच में आप अपना एक्चुअल असेसमेंट कर पाएंगे कि उन लोगों के बीच में आप कहां स्टैंड करते हैं, कितना आपको और मेहनत करने का जरूरत है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके आप टेस्टबुक का पास लीजिए, पास प्रो का, बेस्ट मॉक का, और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से एनहांस कीजिए। अब दोस्तों सोच कर देखिए कि इतनी कम सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है, और 85-100 तकरीबन वैकेंसी अभी है, शायद थोड़ी बढ़ जाए इन फ्यूचर, और इसके बाद भी आपको जो काम करना पड़ेगा वो चपरासी का काम करना पड़ेगा, चाय बनाना पड़ेगा, बाथरूम साफ करना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, तो और इसके लिए तकरीबन 45 से 50 लाख लोग अब एग्जाम में बैठेंगे, उससे आपको कॉम्पीट भी करना है, तो क्या इस एग्जाम में आपको अपीयर होना चाहिए? नहीं अपीयर होना चाहिए। ये जो बात है ना दोस्तों, ये आपको बहुत लोग बोलेंगे, ठीक है, कि चपरासी वाला काम होता है, इतना कम सैलरी, क्यों जाओगे, क्यों जाओगे। इन सब बातों को बिल्कुल मत सुनिएगा, ठीक है। अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मौका है, ठीक है। पहली बात तो ये बोल दूं कि सैलरी एक्स सिटी में आपको 30,000 के अराउंड मिलती है इन हैंड, ठीक है, जो कि अगर आप अकेले रहते हैं अपने फैमिली के साथ तो एनफ है, सफिशियंट है, ये बहुत कम सैलरी नहीं है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉय हैं, चाहे एमटीएस या हवलदार ही क्यों नहीं है, आपको CGHS बेनिफिट मिलता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज टू ऑल योर डिपेंडेंट्स, प्लस किसी अच्छे डिपार्टमेंट में अगर आप चले जाते हो ना, उससे आपका नाम जुड़ जाता है, आप उस डिपार्टमेंट के परमानेंट इंप्लॉय हो, तो आपकी समाज में, आपकी रिलेटिव्स में आपकी इज्जत बढ़ेगी। और ये जो बात है ना कि एमटीएस को झाड़ू लगाना पड़ता है, चाय बनाना पड़ता है, बाथरूम साफ, ये बिल्कुल बकवास बात है, इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। ओवरऑल मैं वर्क प्रोफाइल की बात करूं तो एमटीएस जो है ऑफिसर्स
का एक हेल्पर होता है, ठीक है, फाइल ले जाना, फाइल पे साइन करवाना, फाइल को अच्छे से रखना, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट फाइल है, वो सेफ से है कि नहीं, मतलब ओवरऑल असिस्ट करना ऑफिसर को, ये उसका काम होता है, ठीक है। और आज के टाइम में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में स्टाफ क्रंच है, तो आप भले ही एमटीएस क्यों ना हो, लेकिन आपको काफी बढ़िया हाई लेवल का काम भी दिया जाएगा करने के लिए। वो करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, पर्सनालिटी आपकी इंप्रूव होगी, और आपके ऑफिस में, आपके सराउंडिंग में आपकी इज्जत रहेगी। तो अगर आपका सपना है एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब करने का, तो एसएससी एमटीएस आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। या तो आप एमटीएस ज्वाइन कीजिए, या तो हवलदार के फॉर्म में, और हवलदार भी ये पुलिस वाला हवलदार नहीं है, ठीक है, हवलदार एमटीएस का वर्क प्रोफाइल बिल्कुल सेम होता है, हवलदार को वर्दी मिलती है, अच्छी वाली वर्दी मिलती है, ठीक है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप वहां जाके एक्सप्लोर करेंगे, सब कुछ मैं आपको यहां नहीं बता सकता, ठीक है। तो जितने लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, वर्थ है, क्योंकि यहां पे काफी सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो कि आप फिलहाल नहीं सोच सकते। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए होगी तो कमेंट कर सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।